हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इस पर जरा डिस्कशन करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एक कंडक्टिंग रॉड ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज आई चूज ए कंडक्टिंग रॉड। ओके, सो दिस इज अवर ए कंडक्टिंग रॉड। तो कंडक्टिंग रॉड आपका ये कंडक्टर्स में आता है। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस जिनमें आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो बहुत इजीली होता है। एंड इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस उन जिनमें आपका जो चार्जेस का फ्लो होता है वो इतनी आसानी से नहीं होता है। तो ये कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे निगेटिवली चार्ज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के इनसाइड में, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इस जो कंडक्टर है, अब हमें इसको चार्ज करना है। इसमें हमें अभी तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, मतलब इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इट हैज़ ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी इजिली होता है। और इसके पास सपोज हम इस पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं। सपोज कोई ग्लास रॉड है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस पर बहुत सारे हम इसमें पॉजिटिवली चार्ज है। सो जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को आप इस कंडक्टर के पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, होगा ये कि इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वो इसके एक सिरे पे कलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए सिरे को मैं ए ले लेता हूँ, तो इससे बहुत सारे यहाँ पे निगेटिवली चार्ज जो आपके पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो इस सिरे पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला सिरा जो होगा दैट विल गेट निगेटिवली चार्ज। अब सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ऑब्वियसली बात है इसका एक सिरा यानी अनदर पार्ट जिसको हम बी ले लेते हैं, दैट विल गेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इस डिफिशियंसी के कारण ये जो आपका ये वाला पार्ट है बी, इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को वापस से दूर ले जाएंगे, तो ये वापस से दोनों चार्ज आपस में ये फिर से ये आपका ये जो दोनों सिरे जो आपके पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ये चार्ज वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का फिनोमिना है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का फिनोमिना है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बहुत ही यूजफुल है। ये इसका यूज़ हम बेसिकली क्या किस लिए कर सकते हैं, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास एक चार्ज स्फेयर है, एक चार्ज स्फीयर आपके पास एक स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉट चार्ज स्फीयर, तो क्या आप इसे पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं बाय दिस फिनोमिना विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं। सपोज आई चूज टू स्फीयर, अगर मैं दो स्फीयर चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए एक स्फीयर है हमारे पास, एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और एक और स्फीयर में चूज कर लेता हूँ, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, इन दोनों को आपस में ये दोनों टच कर रहे हैं ताकि इनके भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो यूनिफॉर्म हो। ओके, सो अब मान लीजिए इस डायग्राम में इन दोनों जो आपके चार्ज जो स्फीयर हैं, इनके पास मैं एक अगेन वापस से ग्लास रॉड लेके आते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो मान लीजिए मैं वापस से एक ग्लास रॉड लेके आ गया स्फीयर के पास। ओके, ये कुछ मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हम इन स्फीयर के पास लेके आएंगे, तो होगा क्या, अब इस वापस से इन डायग्राम को बनाते हैं, जैसे ही लेके आएंगे तो इसका एक पार्ट जो है स्फीयर का, यानी एक जो पोल है दैट विल गेट निगेटिवली चार्ज, ये वाला पोल जो है दैट विल गेट, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे जो डिफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी पुट इट पॉजिटिवली चार्ज। और रॉड को वापस से ही यहीं पे रखते हैं अभी। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे री डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ये पॉजिटिव चार्जेस का ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब अगर हम इस जो हमारा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों जो स्फेयर हैं इनके बीच कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस रख देते हैं, है ना, नॉट टू लार्ज, बट इतना कि ये आपस में चार्जेस का फ्लो ना हो पाए, तो ये आपका अभी भी ये वाला जो साइड है दैट इज निगेटिव एंड दैट इज ये वाला पॉजिटिव, और ये वापस से अब हमारी ये ग्लास रॉड है जिसके हमारे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, अब हम वापस से अपना फोर्थ जो इसका डायग्राम है, अगर अब हम वापस से इस पूरे सिस्टम को अब हम सफिशेंटली डिस्टेंस पे ला के रख दें, यानी एक को हम अब वापस
वापस से अपनी ग्लास रॉड हटा के एक स्पेयर को यहाँ पे रख दें और एक है ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दें, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉजिटिव चार्ज का। तो ये स्फेयर जो आपका हो गया, दिस स्फेयर इज योर निगेटिवली चार्ज स्फेयर, ठीक है, निगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, और ये वाला स्फेयर हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ओके, सो ये बात थी आज के वीडियो में जिसमें हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का ये दूसरा वीडियो था, जल्दी इस पे आप तीसरा वीडियो डालेंगे जो कि जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही।